हेलो एवरीवन, दिव्यास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राजस्थान की बहुत ही फेमस पापड़ की सब्जी बनाऊंगी। पापड़ तो हम लोग ऐसे खाते रहते हैं, कभी फ्राई करके खाते हैं, कभी सेक के खाते हैं, लेकिन आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे फटाफट बना सकते हो, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। कभी भी आपके घर में अगर कोई सब्जी ना हो तो आप इसे फटाफट बना के सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 3 पापड़ ले लिया है। ये मीडियम साइज़ के पापड़ हैं, आप 3 या 4 पापड़ ले सकते हो। आप कोई सा भी पापड़ ले सकते हो, मूंग का पापड़, उड़द का पापड़, जो भी पापड़ आपके पास हैं वो पापड़ आप ले सकते हो। अब इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए ये मैंने एक तवा ले लिया है और एक एक करके पापड़ को तवा पर डालेंगे और उसको ऐसे कोई भी कपड़ा से ऐसे दबाते हुए गोल गोल घुमाएंगे और उसको सेक लेंगे। आप चाहो तो पापड़ को माइक्रोवेव में भी सेक सकते हो या गैस चूल्हे पर भी सेक सकते हो, लेकिन गैस चूल्हे पे कभी कभी पापड़ जल जाते हैं, इसलिए ऐसे सेकने से पापड़ अच्छी तरह से सेक जाते हैं। तो ऐसे गोल गोल घुमाते हुए पापड़ को सेक लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको सेक लिया है, उलट पलट के देख लेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक गए हैं। इसको निकाल के रख लेंगे और सारे पापड़ को ऐसे ही सेक लेंगे। तो ये मैंने सारे पापड़ को ऐसे सेक के रख लिया है। अब इसकी सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। कोई सा भी आप तेल डाल सकते हो, सरसों का या कोई भी जो आप खाते हैं। अब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैंने ये जीरा लिया है 1 टीस्पून, इसे भी इसमें डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से चटक गया है। अब ये 2 तेज पत्ते डाल देंगे और इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको भून लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। तो ये प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैंने ये हरी मिर्च ली है 2 बारीक काट के, इसे भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, इसे भी इसमें डाल के मिक्स करेंगे और इसको 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। प्याज और लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर दें, सिर्फ अदरक डाल के बनाएं। और ये मैंने हल्दी का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इसे भी इसमें डाल के मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आता है कश्मीरी रेड चिली पाउडर से। और ये मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून जीरे का पाउडर लिया है। दोनों को डाल के मिक्स कर देंगे, इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो मैंने भून लिया है। अगर मसाला चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको भून सकते हो। और ये मैंने 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको भी इसमें डाल के मिक्स करेंगे। और ये 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला पाउडर लिया है, इसे भी इसमें डाल के मिक्स करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सब्जी मसाला भी डाल सकते हो। इसको डाल के भून लेंगे। और अब मैंने ये 1 कप दही लिया है, दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। दही फ्रिज का नहीं होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ठंडा दही से भी इसमें डालने से फट जाता है। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे आधा फ्रेश टमाटर का पेस्ट और आधा दही मिला के भी डाल सकते हो। दही बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, इसको लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट सकता है। देखिए मैंने इसको हिलाते हुए अच्छी तरह से इसको मसाले के साथ भून लिया है दही को। अब इसमें पानी डालेंगे। तो ये मैंने 2 कप पानी लिया है, 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर कर देते हैं और इसको 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए मैंने इसको 5-6 मिनट के लिए पका लिया था, ये अच्छी तरह से पक गया है और ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब ये मैंने जो पापड़ को रखा था रोस्ट करके, इसके मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, उसको इसमें डाल के मिक्स करेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पापड़ डालने के बाद इसे नहीं पकाना है। तो मैंने पापड़ डाल के इसको मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और उसको कवर कर देते हैं और 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अभी 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको ढक के पका लिया है। तो देखिए अब यह सब्जी बनके तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देंगे।
गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने एक सर्विंग कढ़ाई ले ली है, उसमें इसको निकाल के रख लेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो ये गर्मा गर्म पापड़ की सब्जी बन के तैयार है, मैंने इसे सर्व कर दिया है। इसे आप रोटी, पराठे, पूड़ी, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, यह सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको कोई सब्जी समझ में ना आए तो आप ये सब्जी को फटाफट बना के सर्व कर सकते हो। तो आप मेरे स्टाइल से बनाइए, खाइए और अपने कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।